गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एमई 302 सब्जेक्ट में ब्रोचिंग मशीन्स पढ़ेंगे। ब्रोचिंग एक ऐसा मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है जिसमें हम टूल को एक डेफिनेट फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं और पुश और पुल मेथड से मटेरियल को रिमूव करते हैं, और इसमें जो यूज़ आता है टूल उसको हम ब्रोच कहते हैं। टूल को सरफेस फिनिश करने के लिए हम टूल को पुश और पुल दोनों मेथड से यो काम में लेते हैं। सरफेस फिनिश करने के बाद करते वक्त हम इससे फ्लैट या कंटूर्ड या फिर अगर इंटरनल और एक्सटर्नल सारे प्रोसेसेस हम ब्रोचिंग मशीन पे कर सकते हैं। ब्रोचिंग मशीन के अंदर रिमूवल की मैक्सिमम लिमिट जो है वो 6 mm ऑफ स्टॉक है या उससे कम होनी चाहिए। ब्रोचिंग मशीन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहला क्लासिफिकेशन ब्रोच का ट्रैवल का डायरेक्शन के ऊपर होता है, जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन या वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन। अगर ब्रोच जो टूल है हमारा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है तो उसे हॉरिजॉन्टल, अगर वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो उसे हम वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन कहेंगे। दूसरा है अकॉर्डिंग टू द मैथड ऑफ ऑपरेशन, उसमें हम डिवाइड करेंगे तो पुल ब्रोचिंग मशीन, पुश ब्रोचिंग मशीन, सरफेस ब्रोचिंग मशीन और कंटिन्यूस ब्रोचिंग मशीन आता है। थर्ड आता है डिवीजन इसका अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ ड्राइव, मैकेनिकल या स्क्रू नट ब्रोचिंग मशीन, एंड सेकंड वन इज हाइड्रोलिक ड्राइव ब्रोचिंग मशीन। फिर आता है किस तरह की सरफेस पर हम ब्रोचिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रोचिंग मशीन है। फिफ्थ वन है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पुल हेड्स, अगर हम पुल ब्रोचिंग मशीन यूज़ करें तो उसमें हम सिंगल पुल हेड यूज़ कर रहे हैं या मल्टी हेड ब्रोच मशीन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में आता है साइज़ एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रोचिंग मशीन, इसमें सबसे बेसिक जो मेजर पैरामीटर्स है जिनको हम साइजिंग में यूज़ करते हैं वो है एक तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो कि mm में होगा, और फोर्स इन टन्स जो कि हम ब्रोच पर लगाएंगे। ये दो पैरामीटर्स ब्रोचिंग मशीन के लिए हम जनरल वे में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो अदर पैरामीटर्स होते हैं वो ब्रोचिंग की स्पीड, रिटर्न स्पीड और मशीन की हॉर्स पावर होती है। जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मशीन्स है, उस क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन्स है, उसमें आता है हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन। हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन जनरली पुल टाइप होती है, यहाँ पे आप इसका डायग्राम भी शो कर रखा है, एंड इसका हम यूज़ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही ब्रोचिंग प्रोसेसेस में कर सकते हैं, पर ज़्यादा जो यूज़ आने वाला प्रोसेस है वो इंटरनल ब्रोचिंग है जो कि हम हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन पर यूज़ करते हैं। मशीन के अंदर आप देखेंगे एक बैड या बेस बना हुआ होता है जो जनरली जितना हमारा ब्रोच का ट्रैवल स्ट्रोक है, लेंथ ऑफ ब्रोचिंग स्ट्रोक है, उसका लगभग डबल मान लीजिए आप होता है। और इसके अलावा इसमें ब्रोच पायलट एंड ड्राइव मैकेनिज्म फॉर पुलिंग द ब्रोच, क्योंकि हम पुल टाइप होती है तो पुल करने के लिए जो ड्राइव मैकेनिज्म है वो लगा हुआ होता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन का जनरली यूज़ कीवेज, स्प्लाइन, स्लॉट्स, राउंड होल्स एंड और अदर इंटरनल शेप्स या कंटूर्स बनाने के लिए किया जाता है। ब्रोचिंग मशीन का जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि इसमें जो फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाई होता है वो वर्टिकल मशीन से बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में हम देखेंगे तो इसमें इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि हम मशीन के अंदर बहुत हैवी वर्क पीसेस या फिर लॉन्ग ब्रोचेस को बहुत ईजीली हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन, जिसमें कि एल शेप के अंदर आप देख रहे हैं कॉलम और बेस बना हुआ है। इसमें कॉलम के ऊपर ब्रोच लगा हुआ है और बेस पर वर्क टेबल पर एक फिक्सर और उसके ऊपर वर्क पीस माउंटेड है। यहाँ पर देखें तो वर्टिकल बोरिंग मशीन जो होती है वो पुश और पुल टाइप दोनों ही होती है, पर जो पॉपुलर वन है इन वर्टिकल बोरिंग मशीन वो पुश टाइप होती है। इसमें हम देखेंगे कि हम इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस कर इसका उपयोग वहाँ जहाँ होता है, ज़्यादातर वहाँ होता है जहाँ पर हमें मशीन एक मशीन से दूसरी मशीन के ऊपर जॉब को ट्रांसफ़र करना होता है, तो यहाँ मल्टीपल ऑपरेशंस करने के लिए मशीन बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। वर्टिकल बोरिंग मशीन के तीन मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, पुल टाइप, पुल अप, पुल डाउन एंड पुश डाउन, और सबसे ज़्यादा जो इसमें काम आता है वो होता है पुल अप टाइप। इसमें इस मशीन वर्टिकल बोरिंग मशीन में हमें एक ऑपरेटर प्लेटफॉर्म या पिट बनाने की ज़रूरत होती है, और इसका जो हमने हॉरिजॉन्टल मशीन के अंदर देखा था वही हम वर्टिकल में देख रहे हैं कि क्योंकि ये फ्लोर स्पेस हम कहती है तो फ्लोर स्पेस के अकॉर्डिंग ही हमारे लिए इकोनॉमिकल काइंड ऑफ मशीन है। हम देख रहे हैं कि जो मॉडर्न वर्टिकल ब्रोचेज होते हैं वो
दो तरह की ड्राइव्स, दोनों तरह की ड्राइव्स में अवेलेबल होते हैं, हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रो मैकेनिकल ड्राइव्स। हाइड्रोलिक ड्राइव जो होता है वो मोस्ट कॉमन यूज़ आने वाला इसमें सिस्टम है, और वो इसका रीज़न है कि हमें कंपैरेटिव टू लो कॉस्ट में अवेलेबल होता है। तीसरा है सरफेस ब्रोचिंग मशीन। ब्रोचिंग टूल्स इसमें जो होता है वो रैम पर अटैच्ड होता है, और रैम को हम एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर गाइड वेस पर मूव कराते हैं, जो कि वर्क पीस में जो हमें प्रोफाइल चाहिए वो कट कर देता है। कुछ मशीन्स के अंदर रैम्स हॉरिजॉन्टली मूव होती है और कुछ के अंदर वर्टिकल मूव होती है। इसके बाद में फोर्थ वन है कंटिन्यूस ब्रोचिंग मशीन। मास प्रोडक्शन के अंदर अगर स्मॉल पार्ट्स हमको बनाने हैं तब हम हाईली प्रोडक्टिव कंटिन्यूस ब्रोचिंग मेथड को यूज़ करते हैं। यहाँ आप देखेंगे मैंने दो डायग्राम्स बना रखे हैं, इसमें सबसे फर्स्ट वन है उसे रोटरी कंटिन्यूस ब्रोचिंग मशीन कहेंगे, और जो राइट हैंड साइड पे है उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूस ब्रोचिंग मशीन। पहले हम बात करते हैं रोटरी ब्रोचिंग मशीन की। एक हमारे पास में रोटरी टेबल है, उसके ऊपर हमारे पास वर्कपीस माउंटेड है। पीछे की तरफ में एल काइंड ऑफ शेप का हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर के ऊपर हमने ब्रोच को माउंट कर रखा है। इस केस में होता है कि ब्रोच स्टेशनरी रहता है और हमारा जॉब कंटिन्यूस मोशन में रहता है, और वो ब्रोच के कॉन्टैक्ट में आता रहता है और हमारा फिनिशिंग वर्क होता रहता है। हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूस ब्रोचिंग मशीन की। इसमें आप देखेंगे तो एक जैसा कि बेल्ट कन्वेयर सिस्टम होता है, एक एंडलेस चैन लगी हुई होती है, और उसके ऊपर हमने विद द हेल्प ऑफ फिक्सर्स जॉब को माउंट कर रखा होता है, और इसके अकॉर्डिंग इसके रिस्पेक्टिव हमने ब्रोच लगा रखा होता है। और इस तरीके से कंटिन्यूशन में बहुत सारे ब्रोच अपना ब्रोच स्टेशनरी है, और यहाँ पे भी जॉब हमारा मोशन कर रहा है। ये आप देखेंगे कि एक साथ बार बार माउंटिंग करने का जो ड्यूरेशन है वो बहुत सेव हो जाता है, और यही हम मास प्रोडक्शन में कंसिडर करते हैं। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ब्रोच। ब्रोच का डिज़ाइन देखेंगे, ब्रोच में आप देखेंगे जो प्रोफाइल बन रखी है इसमें हम फ्रॉम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं। तो एक ब्रोच में जो कट आता है, जो एक टीथ बना होता है, वो जितना नीचे तक गया होता है उसे हम उसे डेप्थ कहते हैं। एक टीथ के कॉर्नर से कटिंग एज से दूसरे टीथ के कटिंग एज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो पिच कहलाती है, और जो स्ट्रेट पोर्शन टेपर्ड है वो टेपर्ड पोर्शन जो टीथ का है उसे हम लैंड कहते हैं। उसके बाद में देखेंगे जो लैंड है वो स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट ना होके और टेपर्ड है, तो ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बना रहा है उसे बैक ऑफ या क्लियरेंस एंगल कहते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे जहाँ मैंने पिच बना रखा है तो टीथ का जो कटिंग एज है वो स्ट्रेट ना होके वर्टिकल एज ना होके वो अंदर की तरफ टेपर्ड है, तो ये जो एंगल है उसे हम कहते हैं रैक एंगल या हुक एंगल। अब हम देखेंगे सारी टर्मोलॉजीज को वन बाय वन। पुल एंड, जो ब्रोच के अंदर का एक पुल एंड होता है वो क्यों बन रखा होता है, जिससे कि अगर आप ब्रोचिंग मशीन के अंदर ब्रोच को जब माउंट करेंगे तो वो पुल हेड जो होता है जो उसको खींचता है वो इसको इंगेजमेंट करने में परमिशन देता है, इस तरह का डिज़ाइन इसका बना होता है। फ्रंट हेड जो होता है ब्रोच का वो हेल्प करता है कि ऑलरेडी किसी होल के अंदर जब टूल एंटर हो रहा होगा तो वो उसे सेंट्रलाइज करने में हेल्प करेगा, तो जब टीथ उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो इधर उधर डिसलोकेट ना होके और सेंटर में लोकेटेड रहे। उसके बाद में आता है रफनिंग एंड सेमी फिनिश टीथ। इसमें और रफनिंग एंड सेमी फिनिश टीथ जो होते हैं वो स्टॉक में जो हमें मटेरियल रिमूव कर रहे होते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो ये रफनिंग एंड सेमी फिनिश टीथ ही रिमूव करते हैं। उसके बाद में आता है फिनिशिंग टीथ। ये टीथ जो होते हैं वो हमारे जो होल की जो साइजनिंग करनी है उसके लिए ही यूज़ आते हैं, और जो हमें फिनिश साइज चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग हमें फिर साइज बना के देता है। रियर पायलट और फॉलोवर रेस्ट। ब्रोच को जब हम ऊपर की तरफ वापस ले रहे होते हैं तो लास्ट टीथ टूथ जो लीव कर रहा होता है जॉब को, उस वक्त जो ब्रोच को सपोर्ट चाहिए होता है वो रियर पायलट और फॉलोवर रेस्ट की मदद से उसको मिलता है। फिर हम देखेंगे, हमने अभी डायग्राम में देखा था लैंड टूथ का सबसे टॉप पोर्शन होता है, और यहाँ पर इसमें हम एक स्लाइड क्लियरेंस देते हैं, ठीक है, ताकि कि ये जॉब में फंसे नहीं। उसके बाद हम देखेंगे तो बैक ऑफ और क्लियरेंस एंगल, इसे हम कहेंगे कि ये हम इसलिए दे रहे हैं क्लियरेंस एंगल ताकि कि वो जॉब में फंसे नहीं। ये रिलीफ एंगल जो होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल उसी के वैसा ही एंगल हम इसमें यहाँ पे देते हैं। अगर हम कास्ट आयरन या स्टील की बात करें तो ये एंगल 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक रखा जाता है, और अगर हम फिनिश टीथ की बात करें तो ये एंगल कम हो जाता है और इसकी रेंज 0 से 1.5 डिग्री होती है।
इसके बाद हम देखेंगे रैक एंगल जो कि पिच के साथ बना हुआ है। रैक एंगल लैथ का जो टूल होता है उसमें जो रैक एंगल का सिग्निफिकेंस होता है वही सेम सिग्निफिकेंस यहाँ पर है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो जैसे जैसे ये एंगल जो है वो इंक्रीज वेरी करता है मटेरियल जैसा आपको कट करना है उसके साथ में, और जनरली अगर जैसे जैसे मटेरियल की डक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे इस एंगल को इंक्रीज़ किया जाता है। और रैक एंगल की जो वैल्यू है स्टील के केस में 12 डिग्री से 15 डिग्री रखी जाती है। उसके बाद में आता है पिच। ये लीनियर डिस्टेंस होती है एक टूथ के कटिंग एज से उसके नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एज जो कि नेक्स्ट टूथ पर है, तो इन डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। ये वेरी करती है पिच की डिस्टेंस रफनिंग और सेमी फिनिश एंड फिनिशिंग टीथ के लिए अलग अलग होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रोच कितने तरीके होते हैं। ब्रोच का डिविजन्स हम पहला कर सकते हैं टाइप ऑफ ऑपरेशन के, वो कहाँ यूज़ आ रहा है, इंटरनली इंटरनल और एक्सटर्नल ब्रोच। इसी तरीके से फिर आता है मेथड ऑफ ऑपरेशन, तो क्या आप पुश टाइप ब्रोच यूज़ कर रहे हो या पुल टाइप ब्रोच यूज़ कर रहे हो। उसके बाद में आता है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सॉलिड है, बिल्डअप है, इंसर्टेड टूथ है, प्रोग्रेसिव कट है, रोटर कट है, डबल जंप है या ओवरलैपिंग टूथ है। इसके बाद में फंक्शन, हम कहाँ पर्पस उसका जो बेसिकली हमारा ऑपरेशन क्या है, तो हम सरफेस कीवे राउंड होल स्प्लिंट स्पायरल बर्निशिंग किस फंक्शंस के लिए ब्रोच यूज़ करें इसके हिसाब से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रोच की, तो ब्रोचिंग जब हम किसी भी इनसाइड सरफेस के ऊपर किसी होल में ब्रोचिंग कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए इंटरनल ब्रोचिंग होती है, और अगर हम उसके लिए जो ब्रोच यूज़ करते हैं उसे इंटरनल ब्रोच कहते हैं। अगर हम किसी सरफेस के बाहर की तरफ एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर ब्रोचिंग कर रहे हैं तो उस वक्त जो टूल यूज़ आता है उसे हम एक्सटर्नल ब्रोच कहते हैं। इंटरनल ब्रोचिंग का जो टूल का डिज़ाइन होता है वो बड़ा होता है और कंटूर्स और ऑलरेडी जो होल हो रखे होते हैं ड्रिल पंच या कास्टिंग या फोर्जिंग उनको शेप करने के लिए या बड़ा करने के लिए इंटरनल ब्रोचिंग टूल को यूज़ किया जाता है। एक्सटर्नल सरफेस ब्रोचिंग जो होते हैं वो जैसे कि आप प्रोसेसेस आपने देखे होंगे मिलिंग प्लानिंग शेपिंग उस तरह के सिमिलर ऑपरेशंस करने के लिए एक्सटर्नल सर्फेसिस पे जो काम होते हैं उसके लिए एक्सटर्नल ब्रोचेज यूज आते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे तो पुश ब्रोच, ये इस तरह का डिज़ाइंड पीसेस है जिसमें कि स्पेशल प्रेस या पुश ब्रोचिंग मशीन में से लगाया जाता है, जिसमें कि हम जब ब्रोच को कर रहे होते हैं तो कटिंग करते वक्त हम उसको पुशिंग एक्शन के थ्रू आगे मोशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि जब हम पुश कर रहे होते हैं तो इसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि इसमें कंप्रेसिव फोर्स क्रिएट होते हैं, दैट्स वाई इसको लेंथ में छोटा और थोड़ा साइज़ वाइज इसको बड़ा बनाना होता है, बल्की बनाना होता है, स्टॉकी बनाने की ज़रूरत होती है। और इसी वजह से इसमें अगर हम नंबर ऑफ टीथ की बात करें तो कंपैरेटिवली कम होते हैं। इसके बाद और साथ के साथ इसमें जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है वो कम होता है। और पुश ब्रोच का यूज़ जनरली होल्स आर मशीन बाय पुश ब्रोचेस ओनली फॉर साइजिंग, मतलब आप इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमूवल का काम नहीं करते, केवल फिनिशिंग वर्क के लिए इन जनरल पुश ब्रोचेस यूज़ आते हैं। उसके बाद में पुल ब्रोच, इसमें हम देखेंगे तो टूल जो होता है क्योंकि हम ब्रोच को खींच रहे होते हैं तो वो टेंशन में होता है, और अगर लॉन्ग सिलेंडर ब्रोचेस जो होते हैं आपने देखा होगा कॉलम्स के अंदर सिलेंडर रेशियो होता है, यहाँ पे लॉन्ग अगर हम ब्रोच बनाएंगे तो वो हमारे लिए पॉसिबल होता है। इसमें क्योंकि जब लंबा होता है तो नंबर ऑफ लार्जर टीथ्स आपके पास अवेलेबल होते हैं और ये एक पास के अंदर ज़्यादा मटेरियल रिमूव करने के काम में आते हैं। जब हम ब्रोच को सिंगल पीस से बनाते हैं तो उसे सॉलिड ब्रोच कहते हैं, और इंटरनल ब्रोचेस जो होते हैं वो जनरली सॉलिड टाइप होते हैं। ब्रोचेस को हम समटाइम्स बिल्डअप ऑफ सेवरल सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस से मिला के अगर बनाते हैं तो उसे बिल्डअप काइंड ऑफ ब्रोचेस कहते हैं। और अगर हम ऐसे करें कि टीथ इंसर्ट करके किसी ब्लॉक में और फिर सीरीज़ में उसको जमाएंगे तो टीथ इंसर्टेड काइंड ऑफ ब्रोचेस कहलाएंगे। प्रोग्रेसिव कट ब्रोचेस वो होते हैं जिनमें कि अलोंग दी जो उसकी ब्रोच की हाइट होती है उसमें टीथ की जो विड्थ है वो वेरी करती है नीचे से लेके ऊपर तक।
तो इसमें ये होगा कि जब मटेरियल कट होगा तो लेयर्स टूथ की जितनी जितनी लेयर्स आती है लेयर्स में मटेरियल रिमूव होता है, जिसमें पहले कम और फिर धीरे 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 विथ इंक्रीज होती है। उसके नेक्स्ट हम रोटर कट ब्रोचेस जो होते हैं वो लार्जर अमाउंट्स ऑफ मटेरियल जो होल में से निकालना होता है उसके लिए यूज़ आता है, और उसके जैसे कि फोर्जिंग या कास्टिंग में से जहाँ पे कि हमें प्राइमरी पहले से कुछ कटिंग ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनमें ऑलरेडी हम लोग ये कैविटी क्रिएट कर देते हैं और उसको हमें इनलार्ज करना होता है, तब हम रोटर कट ब्रोचेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है बर्निशिंग ब्रोच। बर्निशिंग ब्रोच का काम होता है किसी भी सर्फेस को चिकना ग्लेजी इन द सेंस कि चमकदार सरफेस या फिनिश सरफेस जो कि स्टील कास्ट आयरन या नॉन फेरस मटेरियल के अंदर होल बनाने में बर्निशिंग टीथ जो होते हैं वो राउंड होते हैं और वो कट नहीं करते बल्कि कंप्रेस होते हैं और सरफेस मटेरियल जो मेटल की सरफेस है उस पर रब होते हैं और हमें उसी से चमकदार सरफेस मिलती है। आप जब बर्निशिंग ब्रोच यूज़ करोगे तो उसके लिए जो हम मटेरियल रिमूवल के लिए छोड़ेंगे वो 0.025 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।